VIT, SRM, मणिपाल, KIIT, UPS देहरादून, इन जैसी गाइस और भी कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आज के टाइम पे 15 से लेके 25 लाख रुपए तक फीस चार्ज करती हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी मुश्किल हो जाता है पे करना। आज मैं गाइस आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस बताने वाला हूँ जिनकी फीस काफी कम है, शायद ही कोई बात करता होगा इन कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि यार हर जगह प्राइवेट कॉलेजेस की मार्केटिंग दबा के चल रही होती है, इन कॉलेजेस को यार बताया ही नहीं जाता, ठीक है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे यार इन कॉलेजेस के बारे में अच्छे से जाने एंड देखेंगे कैसे एडमिशन होता है, फीस कितनी है, प्लेसमेंट्स कितना है, सारी बातें जो हम करते हैं वो सभी करने वाले हैं। एंड पिछले काफ़ी टाइम से यार ये बहुत सारा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया देखो प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो पता है, ठीक है भाई फीस बहुत ज़्यादा है, कुछ हमें ऐसे कॉलेजेस बता दो जिनकी फीस काफ़ी कम है, क्योंकि हम एजुकेशनल लोन लेना वो सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो गाइस सबसे पहले नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे यार 1857 में इस कॉलेज को बनाया गया था, काफ़ी पुराना कॉलेज है। आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको ये कॉलेज मिल जाता है। WBJE के थ्रू यार आपका इसमें एडमिशन होता है, काउंसलिंग जो है वो भी इसकी WBJE काउंसलिंग होती है। एक साल के ट्यूशन फीस की बात करूँ मात्र आपकी 6,000 रुपये, सिर्फ 6,000। एंड यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात करें 11 से 13 लाख आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस बताए थे उनमें से कई प्राइवेट कॉलेजेस में से भी ज़्यादा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मीडियम पैकेज की बात करें 9 लाख इसका मीडियम पैकेज है। ये कुछ यार ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, एंड डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है गाइस वो है KGEC, कल्याणी वेस्ट बंगाल में आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाता है। 1995 में इस कॉलेज को बनाया गया था, आपका WBJE के थ्रू इसमें आपका एडमिशन होता है, काउंसलिंग भी आपकी WBJE होती है। यहाँ पे ट्यूशन फीस की बात करें एक साल की जो आपकी फीस है, अगर आप IT ब्रांच लेते हैं तो यहाँ पे 24,000 आपकी फीस लगती है, अगर आप CSE एंड EC लेते हैं तो 12,000 के आसपास आपकी फीस लगती है, अगर आप मैकेनिकल या फिर EE ब्रांच लेते हैं तो आपकी 6,000 फीस लगती है मात्र। यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात करें एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख आपको देखने को मिल जाता है, मीडियम पैकेज आपका 5 लाख रुपये। अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज यार। आज के वीडियो में यार मैं इंडिया के सारे कॉलेजेस बताऊंगा आपको, अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली का होगा, कोई वेस्ट बंगाल में होगा, बहुत सारे कॉलेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ जिनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि यार हाँ हमारे घर के या फिर हमारे स्टेट के आसपास ये कॉलेजेस अवेलेबल हैं, हम इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलेज आता है यार GMI दिल्ली, काफ़ी लोगों को पता होगा, 1920 में इस कॉलेज को बनाया गया था, न्यू दिल्ली में आपको मिल जाता है। JEE मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है, काउंसलिंग यार इसकी खुद की काउंसलिंग होती है, GMI दिल्ली काउंसलिंग। फीस की बात करें एक साल की जो फीस है वो 16,150 रुपये है मात्र। एवरेज की बात करें 9 से 11 लाख आपको इसमें एवरेज मिल जाता है, मीडियम की बात करें 8.4 लाख आपका मीडियम पैकेज है, खतरनाक। तो काफ़ी बढ़िया कॉलेज है यार ये भी GMI दिल्ली। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है यार वो है हमारा दयालबाग, आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में कॉलेज मिल जाता है। 1981 में इस कॉलेज को बनाया गया था, आपका JEE मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन हो जाता है, काउंसलिंग जो है इसकी सेल्फ काउंसलिंग होती है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक साल की ट्यूशन फीस की बात करूँ यार तो आपकी 13,000 फीस है, सिर्फ 13,000। प्लेसमेंट्स की बात करें 5 से 6 लाख आपको यहाँ पे एवरेज मिल जाता है, मीडियम की बात करें 4.4 लाख आपको यहाँ पे मीडियम मिलता है। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है गाइज जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि फेवरेट है ना, यहाँ पे आप इसकी हॉस्टल लाइफ बोलो, यहाँ के प्लेसमेंट्स बोलो, यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें बोल दो, यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब पैसा वसूल है। एंड मतलब मैं बोलूँगा कि यार सपना रहता है जादवपुर यूनिवर्सिटी लोगों का, है ना। इसके ऊपर यार बहुत ही शानदार हमने रिव्यू बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो बढ़िया उस वीडियो को जाके देखो। एंड 1955 में यार इस कॉलेज को बनाया गया था, आपका कोलकाता में मिल जाता है, WBJE के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। यहाँ पे एक साल की फीस की बात करूँ तो 3,000 रुपये, ये 3,000 भी नहीं है मेरे ख्याल से, 2,500 कुछ है ना एक साल की फीस। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो लॉकडाउन वगैरह था पेंडेमिक में ये भी नहीं ली थी, ये भी माफ़ कर दी थी, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ IT की तो यहाँ पे 30,000 फीस ली जाती है IT की, क्योंकि ये ब्रांच यार बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी। प्लेसमेंट्स की बात करें 12 से 15 लाख इसका एवरेज पैकेज है। एंड हम कई बार देखते हैं कि CSE जैसी जो ब्रांचेस हैं उनका यार यहाँ पे 20 लाख से ऊपर या 20 लाख के आसपास एवरेज मिल जाता है। CSE, IT ये ब्रांचेस में काफ़ी बढ़िया जाता है। टोटल 5 से 6 ब्रांचेस यार आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाती है। एंड मैं टॉप 3 की बात करूँ ना उनका 15 से ऊपर ही आपको एवरेज मिलेगा। यहाँ पे बात करें मीडियम की तो 9.75 लाख इसका मीडियम पैकेज है, विच इज़ अमेजिंग। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है गाइज वो है AMU। अब यार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाता है, 1920 में यार इसको बनाया गया था। इसका जो एडमिशन है यार वो AMU EEE, इसका खुद का एंट्रेंस होता है, उसके थ्रू एडमिशन होता है, काउंसलिंग भी इसकी खुद की होती है AMU EEE के नाम से। एक साल की ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 18,340 रुपये आपकी एक साल की फीस लगती है सारी ब्रांचेस की। अगर आप जैसे यहाँ पे AI लेते हैं तो यहाँ पे 63,000 के आसपास इसकी फीस लगती है एक साल की। प्लेसमेंट्स की बात करें यार 7 से 8 लाख आपको एवरेज मिल जाता है, मीडियम की बात करें 5.62 लाख इसका मीडियम पैकेज है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है गाइज वो है DUCIC, ये भी यार काफ़ी फेमस कॉलेज है। एंड काफ़ी सारे लोगों को यार इस कॉलेज के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। 2011 में यार इस कॉलेज को बनाया गया था, न्यू दिल्ली में आपको ये मिल जाता है। एडमिशन जो है वो CUET के थ्रू यहाँ पे हो जाता है। ट्यूशन फीस की बात करें मात्र 5,000 रुपए एक साल की। प्लेसमेंट्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यार इस कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट सेल आपको इस कॉलेज में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस कॉलेज में ऑलरेडी इतने प्रिपेयर हो चुके होंगे, इतने तैयार हो चुके होंगे कि अगर आप कहीं भी ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। आपको सेकंड थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिल जाती है कॉलेज के नाम से। एंड यहाँ पे जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो ये कि यार एंटरप्रेन्योरशिप को यार थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पुश किया जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर किसी को यार प्लेसमेंट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं हो, एंटरप्रेन्योरशिप की साइड जाना हो, ये कॉलेज काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट जो कॉलेज आ जाता है वो है UICET। 1958 में इस कॉलेज को बनाया गया था, चंडीगढ़ में मिल जाता है। एडमिशन की बात करें जेई मेंस के थ्रू एडमिशन हो जाता है, काउंसलिंग जेक चंडीगढ़ काउंसलिंग होती है। ट्यूशन फीस की बात करें 25,000 मात्र इसके एक साल की फीस है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं 6 से 7 लाख आपको एवरेज मिल जाता है, मीडियम पैकेज 5 लाख है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है वो है USICET दिल्ली। ये यार 1999 में इस कॉलेज को बनाया गया था, न्यू दिल्ली में आपको मिल जाता है। जेई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, काउंसलिंग जो है वो आपकी IPO काउंसलिंग होती है। ट्यूशन फीस की बात करें 58,000 मात्र इसके एक साल की फीस है। एंड यहाँ पे बात करें यार तो ये इसमें ना ड्यूअल डिग्री होता है आपका, यहाँ पे 4 साल की बीटेक नहीं होती है, यहाँ पे आपकी 4 साल प्लस 2 साल की बीटेक प्लस एमटेक दोनों कराई जाती है, ठीक है। तो आपका टोटल 6 साल का कोर्स यहाँ पे हो रहा होता है। एंड प्लेसमेंट्स की बात करें एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख है, मीडियम पैकेज आपकी 7 लाख है। तो यार ये भी काफ़ी बढ़िया कॉलेज माना जाता है दिल्ली में। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है यार ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कॉलेज है, MAIT दिल्ली। 1999 में इस कॉलेज को बनाया गया था, जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, काउंसलिंग आपकी GGSIPU काउंसलिंग होती है। ट्यूशन फीस की बात करें यार 1.17 लाख के आसपास आपको एक साल की फीस देखने को मिलती है इसकी ट्यूशन फीस। इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, हमने जितने भी कॉलेजेस अभी तक बात की उनकी फीस यहाँ पे या तो 50,000 से कम थी या उसके आसपास थी, लेकिन इस कॉलेज के यहाँ पे 1 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रही है। लेकिन भाई साहब ये वर्थ इट है। अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की तो 9 से 11 लाख यहाँ पे आपको एवरेज मिल जाता है, मीडियम पैकेज 8.15 लाख है। इस कॉलेज की खास बात बताऊँ भाई, बवाल कंपनी आती है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएगी आपको, अमेजोन मिल जाएगी, मतलब जो टॉप कंपनीज है ना वो इस कॉलेज में आती हैं। एंड लिटरली बच्चे यहाँ पे कंपनीज क्रैक करते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है यार कि अगर इनके से यार अगर आपको NIT IIT या फिर कोई ऐसे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं तो भाई ये कॉलेजेस भी हैं, इनमें ट्राई करो, हो सकता है एडमिशन मिल जाए। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है यार वो है जैक जबलपुर, MP का यार काफ़ी फेमस गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड 1947 में इस कॉलेज को बनाया गया था, जबलपुर में मिल जाता है। जेई मेन के थ्रू आपका एडमिशन होता है, काउंसलिंग जो है इसकी MP की काउंसलिंग होती है, DT MP काउंसलिंग, उसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। 22,300 रुपये एक साल की फीस है मात्र। प्लेसमेंट्स की बात करें 6 लाख आपको एवरेज मिल जाता है, मीडियम पैकेज 4.51 लाख के आसपास है, ठीक है। ये भी यार काफ़ी अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है गाइज वो है IIM। 1989 में इस कॉलेज को बनाया गया था, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको मिल जाता है। WBJE के थ्रू एडमिशन होता है, काउंसलिंग WBJE के थ्रू होती है। ट्यूशन फीस की बात करें एक साल की जो फीस है 1.4 लाख के आसपास देखने को मिलती है, अगेन इसकी 1 लाख से थोड़ी सी ऊपर है, 1.4 लाख के आसपास। 5 से 6 लाख आपको एवरेज मिल जाते हैं, मीडियम पैकेज 4 लाख के आसपास है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है गाइस वो है HIT कलकत्ता। ये यार वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि इस वीडियो में आपको कम से कम फीस वाले कॉलेजेस के बारे में बताया जाए, आपको एक बार अवेयर हो जाओ कि भाई ये कॉलेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि यार इस वीडियो में ना बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी डलने वाले थे जो कि यार इनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने सारे कॉलेजेस को हटाए हैं कि नहीं, इस वीडियो का टाइटल थंबनेल है कि कम फीस में बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, तो वीडियो उसी के ऊपर बनेगी, जबरदस्ती के 4-5 कॉलेजेस ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो कोशिश की यार कि कम से कम फीस वाले बेस्ट कॉलेजेस में आपको बता पाऊँ, ठीक है। एंड 1996 में यार इस कॉलेज को बनाया गया था, 1 लाख के आसपास आपकी फीस है। WBJE के थ्रू एडमिशन होता है, काउंसलिंग भी WBJE की होती है। यहाँ पे बात करें प्लेसमेंट की तो 6 से 7 लाख आपको एवरेज मिल जाता है, मीडियम पैकेज 5 लाख के आसपास है। नेक्स्ट कॉलेज आता है गाइस IIT लखनऊ, काफ़ी फेमस कॉलेज है। 1984 में इसको बनाया गया था, जेई मेंस के थ्रू यार आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, काउंसलिंग UPSEE काउंसलिंग होती है। ट्यूशन फीस एक साल की 85,000 के आसपास है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो 7 लाख एवरेज पैकेज है, मीडियम पैकेज 5.7 लाख के आसपास है। ये भी यार काफ़ी बढ़िया कॉलेज है यार, बहुत सारे लोग रिव्यू बनाने की भूल रहे थे शायद। इनमें से यार जिस भी कॉलेज के ऊपर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, जिनमें यार ज़्यादा रिस्पांस आएगा जिस भी कॉलेज के लिए वो मैं बनाने का ट्राई करूंगा। तो ये था यार आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। ऐसे और भी कॉलेजेस में लेके आऊँगा जिनमें कम से कम फीस हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में आपको ऐसे बताऊंगा कि यार आपका बजट इतना है आप इसमें जाओ, आपकी रैंक इतनी आप इसमें जाओ, तो काउंसलिंग सीजन में ना दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आपको, ये मेरी गारंटी है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।